नेपाल काठमांडू। काठमांडू एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऊंचे ऊंचे श्वेत बर्फ से ढके पहाड़, गगनचुंबी आसमान को चूमते सुनहरी धूप, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत खूबसूरत है। और इसी नेपाल में हिंदू धर्म को माना जाता है और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, और इन त्योहारों की रंगीनियत और विविधता देखते ही बनती है। आज हम आपको बता रहे हैं नेपाल में मनाए जाने वाले त्योहार तीज की, तीज जो कि भारत में भी मनाया जाता है। और यहाँ मनाया जाता है तीज, जिसे नेपाली बालाएं, अविवाहित विवाहित सभी स्त्रियां और लड़कियां मनाती हैं। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये तीज का व्रत किया था, और इसीलिए इसका बहुत महत्व है। कुंवारी लड़कियां पति पाने, अच्छा पति अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत करती हैं, और विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने सुहाग की लंबी उम्र और अपने परिवार की सुख शांति और उनकी जो भी कामनाएं होती हैं इसके लिए ये व्रत करती हैं। और इस दिन ये खूब सस्ती धस्ती हैं और निराहार बिना पानी पिए ये व्रत करती हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे उनके खुशी का पारावार कि वो कितने प्रसन्न होकर ये व्रत करती हैं, तो देखिए। तीज को त्योहार जो छ तपाईहरु किन मनाउँछ, मतलब के महत्व छ तीज को त्योहार को? यसको हाम्रो अब चाड पर्व, हाम्रो चाहिँ यो खास भनेको कसको भगवान लेटाउनु ल्याउनु, हाम्रो चाहिँ यो खास यो भगवानको पालादेखि चलिएको आएको यो परम्परादेखि चलिआएको यो चाड हो होइन। भगवान पार्वतीले चाहिँ नि यो भगवान शिवको शिवको लागि आफ्नो पति पाऊँ भनेर चाहिँ निर्जला भनेको पानीसित नखाइकन व्रत बसेर पानीसित नखाइकन पूजाआजा गरेर यसको अखण्ड बत्ती राति बत्ती बालेर अनि यसको पूजाआजा गरेर मात्र बेलुकी पखत अखण्ड बत्ती बालेर भोलिपल्ट मात्र गोदन पूर्ण पत्र गरेर मात्र पानी खाने चलन भएर यो व्रत बसेको पति पाऊँ भनेर पति पाऊँ भनेर विवाहित महिलाले चाहिँ अविवाहित महिलाले चाहिँ आफ्नो चाहेको काम सिद्ध होस्, आफ्नो काम पूर्ण होस्, आफूले सोचेको जानेको आफूले जे चाहेको काम हो त्यो काम पूर्ण होस् भनेर आफूले सकेसम्म राम्रो काम होस् सोचेको काम सफल होस् भन्नको लागि नै व्रत बसेको हो। अनि तपाईँहरू जो यो रातो आउटफिट लगाउँछ, हजुर रातो सबै रातो लगाउँछ, यसको पछि कोही कुरा छ कि रातो लगाउँछ? यो रातको लागि रातो चाहिँ हाम्रो यो खास त हाम्रो रातो सौभाग्य हो, हाम्रो यो नारीको सौभाग्य। नै बन्द गरेको फेरि अन गरेको एकचोटि त्यो रेकर्डिङ भइसक्यो। वाह